हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? चलो मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने चार्ज कर दिया। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट चार्ज होगा तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हमें बनाना तो पड़ेगा क्योंकि हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, जब इस इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम बनाते हैं, जब डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जरा देखो इसमें क्या कहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए कर्व ड्रॉन इन सच ए वे दैट टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। चलो ठीक है, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से गया है, इस डायरेक्शन से गया है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यार कोई भी एक पॉइंट ले लो, मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस तरह से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ये जो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये यही कहा कि इस कोई भी पॉइंट में एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट में। ठीक है, इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डायरेक्शन होगा, वो ये कहता है। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पहला प्रॉपर्टी क्या है? मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट इस पॉजिटिव चार्ज पे होगा और एंडिंग अप टू इंफिनिटी जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ट्रेवलिंग देखो, स्टार्ट कहां से होगा, ये पॉजिटिव में होगा और एंडिंग कहां होगा, अप टू इंफिनिटी होगा पॉजिटिव चार्ज का। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, फ्रॉम इंफिनिटी टू द नेगेटिव ये आएगा, फ्रॉम इंफिनिटी टू नेगेटिव, मतलब ये इनर होता है, बाहर से ये अंदर आता है और ये अंदर से कहां जाता है, ये बाहर जाता है। ये दोनों प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक लाइंस का प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, मेरे पास है ये एक मैग्नेट, मैग्नेट का ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये जो मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है, नॉर्थ पोल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और जो साउथ पोल को जो है हम लोग नेगेटिव चार्ज मान के चल सकते हैं। ठीक है, अभी इसको दिखाने के लिए मुझे मैग्नेट से ही दिखाना पड़ेगा। तो चलो इस मैग्नेट को मैं इसके अंदर रख देता हूं, रखने के बाद मैं आयरन फिलिंग्स देता हूं और देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से किस तरह से साउथ पोल तक ट्रेवलिंग करता है और ये मैग्नेटिक लाइंस दिखने में कैसा दिखता है। चलो देखते हैं। देखो सर, मैं आयरन फिलिंग्स डाल रहा हूं और इस तरह से देखो ये किस तरह से अट्रैक्शन देख करता है। देखो बेटा, अभी मैं इसको इस तरह से जैसे ही मूव किया मैंने, देखो बेटा, ठीक है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। आप जरा देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे गया, ऐसे करके ऐसे आया। देखो ये नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ट्रेवलिंग करेगा और यहां तक जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह से ऐसे ट्रैवलिंग करेगा। ठीक है, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है समझने के लिए इसमें, कि अगर आप यहां देख सकते हैं तो थिकनेस यहां बहुत ज्यादा है। देखो ये थिकनेस बहुत ज्यादा है और इसके आसपास थिकनेस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और जैसे हम इसके आगे बढ़ जाते हैं, इसका थिकनेस कम जा रहा है। देखो यहां में इसका थिकनेस है ना, बहुत कम है, लेकिन यहां में देखो थिकनेस ज्यादा है और हम लोग यहां देख सकते हैं थिकनेस ज्यादा। अगर जहां थिकनेस ज्यादा होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहां देखते हो, ये देखो ये नॉर्थ पोल है, बिल्कुल ऐसा करके ट्रेवलिंग कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत है ये, और आप देख सकते हैं। तो बच्चों आपने अभी प्रैक्टिकल देखा, देखो ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट देखो, पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब ये आउटवर्ड जाएगा, और ये नेगेटिव में क्या होगा, टुवर्ड्स इनवर्ड होगा। जरा देखो, अगर क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जाएगा, देखो यहां से ट्रेवल करके कहां जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, यहां से ट्रेवल करके कहां जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है अगर चार्जेस सेम हो तो। देखो बच्चों, ये है मेरे पास दो मैग्नेट्स, बार मैग्नेट्स। ठीक है, इसका ही ये नॉर्थ पोल देख सकते हो और ये भी है इसका नॉर्थ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल क्या करता है, ये रिपेल करेगा। इसी तरह से है इलेक्ट्रिक चार्ज का भी, मतलब ये पॉजिटिव मान के चल सकते हैं, इसको भी पॉजिटिव मान करके चल सकते हैं। तो
मैग्नेट का नॉर्थ पोल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और साउथ पोल को हम लोग नेगेटिव चार्ज मानते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको इसके अंदर रख रहा हूं, तो देखते हैं कि मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल एक दूसरे को किस तरह से रिपेल करता है, जिस तरह से ये डायग्राम से मिलता है कि नहीं, जरा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो ठीक है, अब इसमें क्या देख सकते हैं, अगर ये दोनों ही नॉर्थ पोल है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मान करके चल सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बहुत ही सुंदर एक डायग्राम बनेगा। देखो बच्चों, एक पिक्चर है ये, ठीक है। देखो ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गया, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे गया और देखो ये ना मिल रहा है, मतलब कनेक्शन नहीं बना रहा है, लेकिन ये ऐसे जाकर के ऐसे मुड़ जा रहा है। देखो ये ऐसे जाकर के ऐसे मुड़ गया, ये दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं हुआ। और ये देखो बच्चों, ये दोनों कनेक्शन नहीं बना है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रहा है और ये ऐसे करके आ रहा है। इसका मतलब एक दूसरे को ये रिपेल कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, ये है पॉजिटिव और ये भी है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। तो क्योंकि रिपेल क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब जरा देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई कनेक्शन नहीं बना पा रहा है, जैसे इस तरह कनेक्शन बनाया, कनेक्शन नहीं बना पा रहा है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो इस लाइन को इस लाइन से एलर्जी है, इस लाइन को इस लाइन से एलर्जी है, दोनों कभी हाथ नहीं मिलाते, तो इसलिए क्या हो गया, ये एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे कि आपने देखा, दिखने में बिल्कुल ऐसा होगा, बहुत ही प्यारा होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दूसरी प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या कहता है। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर बाइसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे बाइसेक्ट ईच अदर देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट द बाइसेक्टिंग पॉइंट। दिस शोज दैट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अब देखो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन क्योंकि ये जब बाइसेक्ट कर गया, जब बाइसेक्ट करेगा तो यहां होता है एक कंफ्यूजन का अड्डा, एक कंफ्यूजन का अड्डा। ये होता क्या है जरा देखो, अगर यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया बेटा, यहां से अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस तरफ जाएगा ये, ठीक है। यहां से अगर मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ किया बेटा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा कि नहीं। अब जरा देखो इस पॉइंट में होता क्या है, देखो ये देखो, अब यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां दे रहा है, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे रहा है, तो इस पॉइंट पे नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या है, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि अगर इस पॉइंट में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिर्फ एक ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन सिर्फ एक ही होगा, दो नहीं होगा। तो इस पॉइंट में ये मामला कैंसिल हो जा रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये पॉइंट हमें कैंसिल करना होगा। तो टू लाइंस कैन नेवर बाइसेक्ट इच अदर। चलो देखते हैं बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी। ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, मतलब एक जगह से स्टार्ट हुआ, मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट होकर के यही खत्म हो गया, मतलब यहां से ट्रेवलिंग करके दूर कहीं घूम घूम करके यहां आकर के खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जगह से स्टार्ट होता है, दूसरी जगह खत्म हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू इंफिनिटी, अगर नेगेटिव चार्ज है, फ्रॉम इंफिनिटी टू नेगेटिव चार्ज, ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। चलो बेटा देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज। फिफ्थ प्रॉपर्टीज कहता है The electric field lines are perpendicular to the surface of the charge conductor. देखो ये charge conductor है, ठीक है। Electric field lines हमेशा इसका perpendicular होगा, मतलब 90 degree में होगा, वो normal होगा, ठीक है। ये perpendicular इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से जाएगा, इस तरफ जाएगा, हर direction में वो perpendicular होगा, कभी ऐसा ऐसा नहीं जाएगा, ठीक है। वो perpendicular है, suppose ये object है तो direct क्या करेगा, perpendicular जाएगा। ये electric field lines का एक property है, बहुत ही important property है, exam के लिए बहुत ही important है, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या कहता है, magnitude of the electric field is directly proportional to the density of electric field lines। अब जरा देखो यहां में मैंने सिर्फ तीन lines बनाए हैं, क्या मतलब इसका, मैंने अगर तीन लाइन बनाए हैं तो इसका मतलब क्या है, तीन लाइन बनाए, इसमें डेंसिटी कम है क्या, हाँ इसमें डेंसिटी कम है। इसमें कितने लाइन बनाए मैंने, एक दो तीन चार पांच छह लाइन बनाया है,
इसमें डेंसिटी ज्यादा है क्या? हाँ ज्यादा है डेंसिटी। मतलब देखो मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का तब ज्यादा होगा जब इसमें डेंसिटी ज्यादा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसमें डेंसिटी कम है इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, इसमें डेंसिटी ज्यादा है इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। जहां में डेंसिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वहां में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जहां में डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कहां कम होता है? इलेक्ट्रिक, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज है उससे अगर दूर जाते हैं तो डेंसिटी कम होते रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज का आप सामने आ जाओ तो डेंसिटी क्या करता है? बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का आप दूर चले जाओ तो डेंसिटी क्या करता है? कम जाता है। तो क्योंकि उसका स्ट्रेंथ कम जाता है, ठीक है। तो इसमें मैंने ज्यादा बनाया क्योंकि इसमें ज्यादा डेंसिटी है, इसमें कम बनाया इसमें कम डेंसिटी है। चलो देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज। अभी देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जरा देखो ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दो तीन चार मैंने बनाया। अब इस चार में क्या होता है? सभी के बीच में गैपिंग्स एक है और सभी एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। क्या होता है? सभी एक ही डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, तो हम लोग कहते हैं इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग कहते हैं, देखो बच्चों ये जो फील्ड लाइन है इस तरफ फेस किया है, ये इस तरफ फेस किया है, ये इस तरफ फेस किया है और ये इस तरफ फेस किया, सभी एक डायरेक्शन में फेस नहीं किया हुआ है। जब सभी एक ही डायरेक्शन में फेस नहीं किया होगा तो हम लोग इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही इसका आखिरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज आपके दोस्त को आप बताओ, सब्सक्राइब करो, कुछ कमेंट भी करो यार। थैंक यू वेरी मच, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।